Hello, this is Amitoj, and the topic for today's video is a complaint from my subscriber discussing on the forum that there is a complaint against Religare Enterprises. तो ये complaint उनकी है Religare Enterprises के खिलाफ. उन्होंने मुझे अपना मेरे से help मांगी है और उसको discuss करने की कोशिश की है, तो मैं उनको लेकर ही चल रहा हूँ. और इसमें देखिए, ये बहुत पिछले दिनों broker defaults हुए और ब्रोकर्स ने चीट किया अपने जो क्लाइंट्स थे उनको, उनका पैसा रहता है ब्रोकर्स के पास, और ये सब रेगुलेट होता है गवर्नमेंट की सेबी के थ्रू, और एक्सचेंज को उनकी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाना होता है. और आपको इसके रहते उन ब्रोकर के ग्रीवियंस सेल में अपना रिक्वेस्ट देनी चाहिए, बिल्कुल डिमांडिंग योर कैश एंड सिक्योरिटीज़ जो आपका हक है, और वो डिमांड को फॉलोअप करें. हर दूसरे दिन ईमेल करके उनको रिमाइंड करवाएं. ऐसा हफ्ते दो हफ्ते में अगर वो नहीं करके देते हैं तो आप सीधी सीधी कंप्लेंट डालें. अपने प्रूफ और आर्टिफैक्ट्स जो हैं, आपकी स्टेटमेंट हो गई और सौदा समरी और CDS सेल वगैरह में जो रहता है आपका, अगर सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं की गई हैं तो जो आपके पास उसके स्टेटमेंट्स और सबूत है वो लें और जाकर कंप्लेंट कर दें एक्सचेंज में. हफ्ता देखें, दो तीन हफ्ते में क्या रिस्पॉन्स आता है, साथ के साथ सेबी में भी कंप्लेंट कर दें. जो ब्रोकर के पास आपका कैश रहता है उसकी गारंटी है, दी गई है, और वो आपके मांगने पे उनको देना है. और 90 डेज़ का एक सर्कुलर आया था, उसमें जहाँ तक मुझे मालूम है, आप भी चेक कर लें, सेबी का सर्कुलर है, मैंने कमेंट्स में भी लिखा है आपके, वो उसमें उनको 90 डेज़ में अगर आपका कैश ब्रोकर के पास पड़ा है तो वो आपके अकाउंट में भेजना होता है. मेरा जो ब्रोकर है, हमने जब कारवी पे, यह सेम केस था मेरा, कारवी डिफ़ॉल्ट हो गया, उससे पहले वो पैसे नहीं दे रहा था, लोगों ने कंप्लेंट की थी, मैंने भी की NSC में और सेबी में भी की थी. और ईमेल्स रिकॉर्ड रखें, ईमेल पे प्रूफ भेजते रहें, ईमेल का फॉलोअप करें हर दूसरे दिन, शाय ना करें वो ईमेल्स लिखने से, अपनी डिमांड करें कैश और प्रूफ अटैच करें ईमेल्स में, तो इस तरह से वो रिकॉर्ड रहेगा आपके पास. और CC करें ब्रोकर के ग्रीवियंस सेल में, NSE को और सेबी को, तो इस तरह से वो एक कंप्लेंट हो जाती है. और उनके सिस्टम है, उनकी वेबसाइट पे जाएं, NSE की niceplus है और सेबी का स्कोर्स टूल है, उसमें जाके कंप्लेंट कर दें. अगर आपको दो तीन हफ्ते हो गए हैं फॉलोअप करते हुए ब्रोकर के साथ, तो जाके कंप्लेंट कर दें, और ये जेन्युइन है, आपका सुना जाएगा जो मैं बता रहा हूँ. कैश जो है वो आपको मिलना ही मिलना है आपका. जहाँ तक मेरे को, तो कारवी ने मेरा कैश दे दिया था पूरा, सिक्योरिटीज़ में वो सेटल हुई बाद में कुछ, तो मैंने जो पूल में सिक्योरिटीज़ थी उनकी, ये NSE की इंटरमीडिएशन से ही कुछ रेजोल्यूशन हुआ, वो फिर मार्केट की कंडीशंस को रखते हुए और अपनी कमीशंस और वो सेटलमेंट कराने में आपको कम मिलेगा, पर मुझे कम मिला, और हो सकता है आप पूरा ले जाएं, पर वो उसमें थोड़ी होगी क्योंकि आप सचेत नहीं रह पाए और गलत था ब्रोकर आपका, तो उसका जो आपसे गलती होगी गलत ब्रोकर के पास जाने के कारण. ब्रोकर लोग बताते नहीं हैं ढंग से, उनकी प्रैक्टिसेस गलत होती हैं. अब मेरा जो ब्रोकर है कारवी के बाद, मैंने जीरोधा पे गया हूँ, मैं कम डील करता हूँ, पर जीरोधा मुझे टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजता है, मुझे फ़ोन करता है कि आपका 3 महीने हुए हैं जो कैश है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, तो आप उसको दोबारा अगर लगाना चाहते हैं तो दोबारा भेज के सिक्योरिटीज़ खरीद लीजिए. पर ये रेगुलेशंस हैं आजकल जो ब्रोकर्स के साथ चल रही हैं, तो आपका पैसा उसको आप मांगे ना मांगे 90 दिन में आपके बैंक अकाउंट में जो आपने ब्रोकर को दिया हुआ है उसमें उसको जमा कराने होते हैं. ये प्रैक्टिस अच्छी है, ये लोग अच्छे ब्रोकर फॉलो करते हैं. तो अगर कंप्लेंट है तो आप अब बिना रुके कंप्लेंट करें. थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, ग्रीवियंस सेल में आपने एक दो कंप्लेंट लगा रखी हैं, ईमेल भेजी है ब्रोकर के ग्रीवियंस सेल में, पहले भी अगर करते रहे हैं तब भी वैलिड है, तो आप जल्दी से जल्दी NSE और सेबी में करें, और हर दूसरे दिन ईमेल रिमाइंडर्स भेजें ब्रोकर को CC करके NSE और NSE अपना जो भी एक्सचेंज है और सेबी को. इस प्रकार से मेरी उम्मीद है कि आपको रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, मुझे मिला था, और मैंने वो सारा अपने वीडियोस में बना के सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया हुआ है, और मेरा चैनल पे लोगों ने बहुत देखा है. मोस्ट पॉपुलर वीडियो में वही है, हाउ टू डू NSE कंप्लेंट वगैरह एंड सेबी कंप्लेंट्स. तो ये आप करें, उसको बाद फिर मेरा कॉल फॉलो अप है NSE के साथ, तो वो भी उनके टच में रहें. ये इन्हीं एजेंसियों का काम है आपको रेजोल्यूशन दिलवाना. थोड़े अधिकारी कभी ढीले मिल जाते हैं, कभी वो बात आपकी समझेंगे नहीं समझेंगे, पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आप लगे रहें. तो अगर आपका नुकसान ज़्यादा है, लाखों में है, कई लाखों में है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं.
नहीं कर सकते हैं। बड़ा हार्ड अर्न्ड मनी होता है और टफ टाइम्स में हर आदमी को पैसे की ज़रूरत रहती है। आपने बड़ी मेहनत से, सजगता से और लंबा टाइम लगा के किसी उम्मीद के साथ आप मार्केट में पैसा लगाते हैं और मार्केट भी बहुत डायनमिक है, ज़रूरी नहीं है आप पैसा कमाएं, तो ये सब आप सहते हुए ये पैसा इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं मनी मार्केट्स में। तो मैं मेरी सहानुभूति, मेरा विवेक और मेरा सब कुछ आपके साथ है। अगर आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है, जो कि है ही है जेन्युइन, और रैलीगेयर के अगेंस्ट जो है उसमें काफ़ी कुछ फॉलो अप हिस्ट्री चल रही है, तो इसको वैलिडेट करना, अब ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। मैं क्या कुछ इसको जनरलाइज करके कह नहीं पाऊँगा इसके ऊपर। जो मैं बता सकता था, जो मेरे को कंफर्टेबल था, वो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया, यही मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप इसको देख लें, और भी फोरम्स पे जाएं, उन फोरम्स पे जाके देखें लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है उनके साथ, तो आपको रास्ता मिलेगा। और बिना झिझके आप उस पर बढ़ें, कंप्लेंट करें और अपना कैश और अपनी असेट्स मांगें उनसे, जो आपकी सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं वो मांगें। अगर पूल में है, अगर आपके CDSL में ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वहाँ से तो आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी कोई और वकील है जिसका फोरम है, या कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, या कोई आप लोग मिलजुल के उस ब्रोकर के जहाँ जाते थे, तो आपस में एक दूसरे के लिए सचेत रहें और कार्य करें, मिलजुल के अपना रेजोल्यूशन लें फ्रेंडली टर्म्स पे। तो अब मुझे ख्याल से वो दे नहीं रहा आपको, दे रहा होता तो मैं भी पहले फ्रेंडली टर्म्स पे कार्वी के पास गया था, उन्होंने बहुत हमें लटकाया। वो मेरी सारी कहानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, एक टू वन बाय वन करके टाइम निकाल के। बेस्ट ऑफ लक टू यू, मैं आपको एक शुभकामनाएँ देता हूँ, और मेरी होप है कि आपका रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मेरे वीडियोस को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।